हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरा चैनल योर्स यूट्यूब में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि पढ़ाई को याद रखने का सही तरीका क्या है। हेलो दोस्तों, आज जो टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो लगभग सभी स्टूडेंट्स का बहुत बड़ी परेशानी है। और ये परेशानी ये है कि जब भी वो पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने का मन नहीं करता है, और अगर बहुत कोशिश के बाद भी कुछ सीख लेते हैं तो वो ज्यादातर याद नहीं रहता है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सलूशन जानने के लिए हमें पहले ह्यूमन मेमोरी के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लेना पड़ेगा। हम लोगों का जो ब्रेन है ना, वो बिल्कुल हार्डवेयर जैसा है, लिमिटेड स्पेस। हमारा माइंड बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक कॉन्शियस माइंड एंड दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वहां पे ही मेमोरी सेव होके रह जाती है। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन हम सबकॉन्शियस माइंड, जिसको लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहते हैं, वहां पे डाल देते हैं, तो लिमिटेड स्पेस होने के बावजूद वो कम्प्लीटली डिलीट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि बचपन का कुछ घटना को बताओ, तो हम में से लगभग सभी कुछ ना कुछ घटना को डेफिनेटली याद कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा ब्रेन क्या करता है दोस्तों, जब भी हम कोई नया इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है लोड करने में, और इसलिए डाटा शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है, नॉट इन द लॉन्ग रन मेमोरी, और कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं। तो हमारा मेन टास्क है कि ब्रेन के प्रोटेक्ट के बावजूद उसको सबकॉन्शियस माइंड मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी पे ट्रांसफर करना। अब आते हैं पढ़ाई के बारे में। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब दो दोस्त मिलके कोई भी विषय पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में धोनी कौन सी ओवर में रन आउट हुआ था, या यहां तक कि 2011 के वर्ल्ड कप में किस बॉलर की कौन सी बॉल पे धोनी ने सिक्स मार के हम लोगों को जिताया था, या कोई पर्टिकुलर लड़की जो दो साल पहले पूजा में कौन सी ड्रेस पहन के आई थी, यह सब तो हमें पूरा याद रह जाता है। तो प्रॉब्लम हमारी मेमोरी का नहीं है दोस्तों। यहां तक जब हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वो सब करते हैं, तब कोई पुकारने से भी हम उनको ध्यान नहीं देते हैं। तो जो अल्टीमेटली मैटर करता है वो है हम लोगों का इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन। तो पढ़ाई के टाइम में भी वही इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन लाना पड़ेगा, जबरदस्ती रटने की आदत छोड़ना पड़ेगा, किसी भी टॉपिक को रियल लाइफ के साथ मिला के पढ़ना पड़ेगा, तो जाके उसमें इंटरेस्ट ग्रो करेगी और वो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। कंसंट्रेशन सभी का एक ही समय पे एक जैसा नहीं होगा, किसी का अर्ली मॉर्निंग पे तो किसी का लेट नाइट पे ज्यादा कंसंट्रेशन मिलेगा। अगर मैं अपना खुद का बात बताऊं तो मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे अर्ली मॉर्निंग पे पढ़ाई करने में ज्यादा कंसंट्रेशन मिलता था, और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से सभी इंडिविजुअल को पढ़ाई करना पड़ेगा। और दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड पे कुछ एक बार चला जाए तो डिलीट नहीं होता है, इसलिए जो टॉपिक हमने सोच समझ के मेमोरी पे डाला है उसको सबकॉन्शियस या लॉन्ग टर्म पे भेजने के लिए सीखने के 30 मिनट बाद फिर से पढ़ना पड़ेगा, देन एक दिन बाद फिर एक बार, 15 दिन में फिर एक बार, और 2 महीने में फिर एक बार पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि रिसर्च करके ये पता चला है कि कोई भी चीज अगर हम 1.5 या 2 महीने तक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो हैबिट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली चला जाता है और कभी भी हम उसको भूलते नहीं है। सो दोज आर द सम टिप्स रिगार्डिंग हाउ टू गेट रिमेम्बर आवर स्टडी। मैं आशा करता हूं कि उस ट्रिक्स को फॉलो करके तुम लोगों को हेल्प मिलेगा। और अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।